इन्नमा अना अब्दुल्लाह व रसूलू। जरा कलमा शहादत हम पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन नूरुहु। नहीं यार थोड़ा जी, आप वाशादु अन्ना मुहम्मदन नूरुहु, वाशादु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व अब्दुहु पहले, रसूलुहु जिन्होंने आब्द नहीं मानना उन्होंने रसूल कैसे मानना है। अब तो मानना पड़ेगा, बशर तो मानना पड़ेगा, इंसान तो मानना पड़ेगा, आदमी तो मानना पड़ेगा। ये बशर नहीं मनना ते मिलाद किसदा? क्यों भाई? आप में से कोई बताए जिब्रील कब पैदा हुए? शाबाश शाबाश, जिब्रील की विलादत। आप कहेंगे वो नूर है, नूर की विलादत नहीं होती, मिलाद का मैना है पैदाइश। यमुना मां के पेट से बाहर आना, ये मिलाद का मैना, विलादत का मैना, मां के पेट से बाहर आना। जिब्रील की मां ही कोई नहीं, जिब्रील का बाप कोई नहीं, जिब्रील का कुंबा कबीला कोई नहीं, जिब्रील के रिश्तेदार कोई नहीं। जिब्रील की विलादत कैसे हो सकती है? विलादत उसी की होती है जो बशर हो, विलादत उसी की होती है जो बशर हो, विलादत उसी की होती है जो इंसान हो। आप में से अगर कोई बंदा मेरी ताईद करे, शायद ताईद इसलिए बंदे ना करें भाई ये ठप्पा लग जाएगा कि मैं बड़ा बुढ़ा, बड़ी पुरानी बात है ये, तो यार फलाने वक्तों का बंदा। तो हर बंदा तो कहता है अभी तो मैं जवान हूं, तो वो बुढ़ा बनना नहीं चाहता। तो सच्ची सच्ची गल करो भाई, चलो मैं अपनी बात बताता हूं। मैं मेरा ख्याल है दूसरी जमात में पढ़ता हूं, हमारे घर के बाहर मेन सड़क है, या पहले जहां हम रहते थे 18 ब्लॉक में मेन सड़क है, मेन सड़क के साथ एक गली है, उसमें मेरे क्लास फेलो रहते थे। उस गली के बाहर एक टेलीफोन का खंबा था, पहले जमाने में टेलीफोन के गोल लोहे के खंबे होते थे जगह जगह, फिर वो तारें आगे जाती थी। मैंने उस खंबे पर अपनी इन आंखों से ये इश्तिहार लगा हुआ देखा और पढ़ा, 12 वफात वाला महीना, रबीउल अव्वल का नाम क्या था? 12 वफात वाला। केड़ा महीना? 12 वफात वाला। लोग इसे कौन सा महीना कहते थे? 12 वफात। उसमें लिखा हुआ था कि 12 वफात नबी पाक का इंतकाल हुआ। फिर उलमा ने सोचा कि वफात तो गम नू जाहिर कर दी, वफात तो गम को जाहिर करती है, और गम नू असा जाहिर करिए ते तो उन्होंने फिर इसको बदला मिलाद, फिर ईद मिलाद, फिर जश्न ईद मिलाद। आगे आगे देखिए होता है कि बदला इसलिए भी, पता नहीं ये मेरी बात कितने लोग समझते हैं, मेरे पास तफसील का वक्त नहीं है कि मैं तफसील करूं, लेकिन अल्लाह करे ये नौजवान बैठे हैं, अल्लाह करे ये नौजवान लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, तालीम याफ्ता होते हैं, ये समझ जाएंगे। इन्होंने 12 वफात का लफ्ज क्यों छोड़ा? 12 वफात वाला महीना। हमने इन्हें तंग किया, हमने कहा वफात मानते नहीं हो, मनाते क्यों हो? मानते तो नहीं हो वफात, कि वफात हुई नहीं तो मनाते क्यों हो? इन्होंने उसे बदला, उसका नाम क्या रख दिया? मिलाद। अब हम कहते हैं बशर मानते नहीं हो, बशर मानते नहीं हो, मिलाद काय के लिए भाई?
मीलाद तो नूरियों का नहीं होता, मीलाद किसका होता है? नबी पाक की जो विलादत है, पैदाइश, दुनिया में आना, मक्के में पैदा होना, हाशमियों के घर पैदा होना, हजरत अब्दुल्ला के घर पैदा होना, हजरत आमना की कोख से जन्म लेना, ये जो आपकी विलादत है, नौजवानों सच्ची सच्ची बात करो, 15 सदियों में कोई एक बंदा भी मीलाद का मुनकिर आज तक आपने देखा है? जिसने कहा हो कि आप पैदा नहीं हुए, बोलो, बोलते क्यों नहीं? नहीं। कोई यहूदी, ईसाई, मजूसी, मुनाफिक, अबू जाल, आज का कोई हिंदू, सिख, जिसने कहा आप पैदा नहीं हुए, मक्के में पैदा नहीं हुए, रबीउल अव्वल में पैदा नहीं हुए, हाशमियों के घर पैदा नहीं हुए, आपके वालिद का नाम, कोई एक बंदा है? कोई मुनकिर है? फिर हमारे हजरत लोगों से मनवाना क्या चाहते, क्या मनवाना चाहते हो? मिलाद, मिलाद, विलादत, विलादत, भाई इसका तो मुनकर ही कोई नहीं है। असल चीज विलादत नहीं है, असल चीज मेरे नबी की सीरत है। असल चीज क्या है? सीरत मनाओ, सीरत अपनाओ, मेरे नबी के उसवा पे चलो। आपके घर में एक मेहमान आए, आपके घर में आमद हो, आमद, ये जरा आमद के लफ्ज पे गौर करना, क्या हो मेहमान की, क्या हो? आमद, आमद, मेहमान भी बड़ा मुअज्जज़ हो, बड़ा मोहतरम हो, बड़ा मुकर्रम हो, और आप वो दरवाजे पे दस्तक दे, आपको पता चले वो मेहमान आ गया है, आप नाचते हुए, कूदते हुए, गाते हुए, आ गया, आ गया, मुबारक, आहलन वसालन व मरहबा, जी आया नू, घर में उजाला हो गया है, आइए जी, आइए, 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 बैठक में आ गया, बैठक में आ गया, आपका आमना मुबारक, आमद मुबारक, ओसा क्या मन प्यास लगी है, पानी पिवाओ। इसने कहा जी आपकी आमद की जो खुशी है ना, क्या बात है जी, बस हम निहाल हो गए, फिर आपने भंगड़ा डालना शुरू कर दिया, तेरा आना ओसा क्या मैं मर्द ही मन पानी पिवा, कहते नहीं आपकी आमद की बड़ी खुशी है। ये खुशी मना रहा है कि दुश्मनी कर रहा है? नबी पाक की आमद की नाते गाते हो, नबी पाक की सीरत और उसवा पे अमल क्यों नहीं करते? जो नबी पाक मांग रहे हैं वो क्यों नहीं देते हो? नबी पाक तुमसे मांग रहे हैं कि अपनी तिजारत, अपनी घरेलू जिंदगी, जिंदगी का एक एक लम्हा मेरी सुन्नत के मुताबिक गुजारो, ये नबी पाक मांग रहे हैं आपसे, आप उस पे किसी पे अमल नहीं करते। बोलो है अमल किसी का? नहीं। नबी पाक के अहकाम पे अमल करते हो? नहीं। जो नबी पाक मनवाना चाहते थे वो मानते हो?